हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोनाउन पे, जबकि प्रीवियस क्लास में मैंने नाउन को बता दिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं द प्रोनाउन, द प्रोनाउन। जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोनाउन है ये बना हुआ है प्रो से, प्रो प्लस नाउन से, प्रो प्लस। इसका जो मीन्स हो जाता है मतलब, ठीक है, फॉर द नाउन, फॉर द नाउन, ठीक मीन्स फॉर ए नाउन, तो फॉर ए नाउन। तो नाउन के लिए, नाउन के स्थान पे या नाउन के लिए जिस वर्ड्स का मैं उपयोग करता हूं, जो वर्ड मैं लगाता हूं नाउन के स्थान पे, प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन। इट मींस प्रोनाउन मींस फॉर ए नाउन। अच्छा, जैसा कि हम लोग एग्जांपल देते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखो, ही चल राम, या चलो अच्छा राम प्लेज ए क्रिकेट, क्रिकेट एंड ही प्ले फुटबॉल आल्सो, फुटबॉल आल्सो। तो कहने का मतलब यहां भी देखते हैं, देखो ये राम, राम मैंने पहले भी बताया था कि राम क्या है, दिस इज द नाउन, दिस इज नाउन, दिस इज पर्सनल नाउन। तो पर्सनल नाउन है ये, नाउन है। और देखो राम क्रिकेट खेलता है एंड वह फुटबॉल भी खेलता है। तो अब यहां पे हम देखते हैं जो राम के लिए है मैंने किसका उपयोग किया, ही का। किसका उपयोग किया मैंने बच्चों, ही का। तो जो नाउन के स्थान पे जिस वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो मेरा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जैसे हम प्रयोग करते हैं वर्ड्स को, जैसे ही हो गया, ही सी इट यू वी, ठीक दे, अच्छा अस हर, हिम। तो ये सब सारे जो आएंगे सब दीज आर द नाउन वर्ड्स, ये नाउन वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं जिसको मैं किसी भी नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे मैं क्या बोलता हूं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मैं कह सकता हूं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, विच इज यूज, ठीक है, फॉर ए या इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन आप जानते हैं जैसा कि कोई भी प्लेस पर्सन थिंग्स एनिमल्स, नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग्स एनिमल, ये सब का बहुत सारे फीलिंग्स, ये सब सारे इमोशंस। तो दीज आर द प्रोनाउन, दीज आर प्रोनाउन वर्ड्स, दीज आर प्रोनाउन वर्ड्स। तो मैंने राम की जगह पे किसका उपयोग किया बच्चों, ही का। तो ये देखो ही आया ना यहाँ पे, ही, दिस इज प्रोनाउन। अच्छा एक आध दो एग्जाम्पल आपको और मैं बता देता हूं। अब जैसे हमको बोला कि सीता एक पत्र को लिखती है, तो मैंने सीता ना लिख के क्या लिख दिया, सी, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स अ लेटर। तो मैंने सीता के लिए किसका उपयोग किया, सी का, कि वह पत्र, वह एक पत्र लिखती है। तो सी राइट से लेटर सी, दिस इज फॉर द सीता, सीता के लिए मैंने इसका उपयोग किया। तो ये क्या हो गया मेरा, प्रोनाउन। अच्छा अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन जो होते हैं इसके कई प्रकार है। प्रोनाउन में जैसे ये सब सारे हैं, दिस दैट दोज देयर, ठीक है, ये सब सारे जो होते हैं ये सब प्रोनाउन है, ये सब दीज आर द प्रोनाउन। अब इसी प्रोनाउन को मैं काइंड
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पढ़ता हूँ। इस प्रोनाउन को जो सारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं इसको मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जब मैं आपको बताऊंगा तो सारे जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं सब अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे समझते जाइए, बहुत सारे आपको साइड पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कॉलेज के साइड पे आपको मिल जाएंगे सर। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैं चलता हूँ तो जो प्रोनाउन का टाइप्स है या प्रकार है वो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज लिखते जाते हैं इसको पर्सनल प्रोनाउन, फिर मैं बारी बारी से आपको समझा दूंगा पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड हो गया, फोर्थ इज जो फोर्थ होता है मेरा, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक, इसको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। बारी फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव जो रिलेशन को बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन। सेवेंथ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आता है मेरा एट इज इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। एंड लास्ट इज एंड नाइन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है बच्चों, ये है। तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत नजदीक है या दूर है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स सारे होते हैं, दीज आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स। इंडेफिनिट प्रोनाउन्स, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग अलग करने वाले, रिलेटिव प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, इम्फैटिक प्रोनाउन्स एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स। तो दीज आर द 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो नाउ वी डिस्कस फर्स्ट नंबर इज पर्सनल प्रोनाउन, वी डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज द फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे, ठीक है, 9 प्रकार हो गया प्रोनाउन के, पहला क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा अब पर्सनल प्रोनाउन में मैं देखता हूं पर्सनल प्रोनाउन होता है, इट इज द वर्ड यूज फॉर द एनी प्लेस पर्सन थिंग्स, जो भी मतलब किसी भी प्लेस, किसी भी नाम, किसी भी चीज के स्थान पे जो हम उपयोग करते हैं, जिस वर्ड का वो क्या कहलाएगा,
पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, मतलब इट इज द वर्ड दिस इज यूज इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन ऑफ थिंग्स, एनी पर्सन ऑफ थिंग्स नॉट अ प्लेस, एनी पर्सन ऑफ थिंग्स, किसी भी पर्सन और थिंग्स के स्थान। तो एग्जाम्पल जैसे है तो हम लिख देते हैं इसको, इट इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन और एनी पर्सन, इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स, किसी भी पर्सन या थिंग्स के स्थान पे जो हम वर्ड्स का उपयोग करते हैं वो मेरा क्या हो गया बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल बहुत सारे इसके वर्ड हैं पर्सनल प्रोनाउन के, आई वी ये सब पर्सनल प्रोनाउन है, आई वी यू ही सी इट, ठीक है, अस, तो ये सब सारे जो भी सारे वर्ड सारे आते हैं दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन।